यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार लगातार निकालने में जुटी है। ऑपरेशन गंगा के तहत कल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले ग्राम जखौली निवासी नवनीत तिवारी यूक्रेन से अपने घर पहुंचे। नवनीत के घर पहुंचने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। यूक्रेन से सही सलामत लौटे नवनीत ने बताया कि यूक्रेन के बॉर्डर पर हालात बहुत बुरे हैं। तमाम देशों के छात्र हजारों की संख्या में लाइन में खड़े हैं। वहां तापमान -डिग्री में होने के कारण सभी को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोग अपना सब कुछ छोड़कर वहां से निकल रहे हैं। नवनीत ने कहा कि पीएम मोदी के कारण आज भारत के सभी छात्र अपने घर सकुशल वापसी कर रहे हैं। अन्य देशों के छात्रों को वहां बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नवनीत के पिता अनिल तिवारी ने बताया कि जिस तरह से पीएम मोदी ने भारतीय छात्रों को वापस लाने का कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने चुनावी व्यस्तता के बीच तमाम छात्रों की जान बचाई है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। जो है वहाँ पे 24 को पहला अटैक हुआ था, उसके बाद से कंडीशन बहुत बुरा हो गया और मतलब 2-3 दिन में जो है मतलब हर तरह से जो है जैसे पैसे नहीं निकल रहे थे कहीं पे, और जो है रोज कुछ ना कुछ मिसाइल वगैरह गिरती थी, तो सारे स्टूडेंट जो हम लोग फिर सारे बंकर में या सेफ हाउस में रहते थे, और हमने जो है एम्बेसी से कई बार कॉल किया उस टाइम पे, लेकिन एम्बेसी ने बोला नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 24 से 27 तक कोई ऐसा कंपलसरी एडवाइजरी जो है रिलीज नहीं किया था। उसका 27 को हम लोग को लगा कि यहाँ रहना सेफ नहीं है क्योंकि आसपास भी बमबारी होने लगी, तो हम लोग 27 को कीव से बगजाल वहाँ पर रेलवे स्टेशन को बोलते हैं, उससे हम एक लवीव निकल दिए क्योंकि लवीव से पोलैंड और रोमानिया और हंगरी दोनों पास हैं, तो हम सोचे वहाँ जाकर डिसाइड करेंगे किधर जाना है। वहीं बस्ती जिले के सोनहा थाना के वाहिद चक गांव के सिवान में युवक की धारदार हथियार से बीते कल रात में गला रेतकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए अभियुक्त अंकलेश वर्मा को अरेस्ट कर लिया है। अभियुक्त के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बता दें कि अभियुक्त अंकलेश वर्मा का गांव की किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर मृतक अक्सर कमेंट करता था, जिसकी वजह से उसके प्रेम प्रसंग के बारे में गांव वालों को पता चल गया, जिसके बाद अभियुक्त ने लालदेव की हत्या का प्लान बनाया। दोनों अक्सर शराब पीते थे। घटना की शाम में अंकलेश ने लालदेव को फोन कर गांव में सिवान में बुलाया और फोन कर कहा कि 2 पेटी शराब एक व्यक्ति लेकर आएगा, लेकिन शराब लाने वाले व्यक्ति ने शर्त रखी है कि मुझे कोई देख ना पाए, इसलिए अपनी आंख पर पट्टी बांध लेना। जब दोनों सिवान में मिल तो अभियुक्त ने कहा कि वो शराब लेकर आ रहा है, तुम अपनी आंख पर पट्टी बांध लो। जैसे ही लालदेव ने आंख पर पट्टी बांधी, उसी दौरान अभियुक्त ने चाकू निकालकर गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अभियुक्त को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। थाना सोनहा क्षेत्र के ग्राम जोगिया पाठक, उसका एक मजरा है झिंघा, उसमें एक व्यक्ति लालदेव जिसका नाम था, उसकी डेड बॉडी गांव के बाहर एक खेत में बरामद हुई थी। और इसमें जानकारी में जो तथ्य आए कि मृतक लालदेव, उसके पड़ोस में रहने वाला अंकलेश वर्मा का संबंध गांव की एक लड़की से था, और अंकलेश वर्मा के इन संबंधों को लेकर के ये मृतक हमेशा उसको ताने मारता था और अलग अलग प्रकार के कमेंट करता था। तो इस बात से क्षुब्ध होकर के अंकलेश वर्मा ने उसको मारने की योजना बनाई। एक दिन पूर्व उसने उसको फ़ोन करके शराब पिलाने के बहाने बुलाया था गांव के बाहर। अगले दिन पुनः 3 तारीख को उसने मृतक को फ़ोन किया, कॉल रिसीव हुआ, फिर मृतक ने पुनः अंकलेश को फ़ोन किया।